हेलो एवरीवन, एक बार सारे बच्चे जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को। एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी आवाज़ आ रही है, कंफर्म करो। राजीव, विवेक, भूपेंद्र, हेलो, विनीत, हाय, मुकुल, राजन, प्रभात, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल। तो आप सभी को गुड इवनिंग। एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो हम करने वाले हैं क्लास में, वो जीए और जीएस का मॉक करेंगे। मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें, स्टैटिक जीके के भी होंगे, जीएस के भी होंगे और आपका करंट अफेयर का भी होगा। और मैं आपकी मेंटोर वर्षा सिंह हूँ। अभी अनअकैडमी पे मेरा एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 20 जुलाई से, जो कि पॉलिटी का है। तो जो भी बच्चे प्लस पे हैं, सारे बच्चे इस कोर्स में एनरोल कर लेना मेरी प्रोफाइल पे जा करके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये हर एक संडे को होता है और आप इसमें फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरा कोड यूज़ करना है वर्षा, जिससे कि आप फ्री में एनरोल हो जाएंगे। जो भी रैंक होल्डर्स होंगे उनको फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा और डिस्काउंट दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर। और अभी तक आप में से जिस भी स्टूडेंट ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सारे स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, आप 12 या 24 महीने का लीजिएगा। 12-24 महीने क्यों? क्योंकि आपको ये प्लान सस्ता पड़ेगा जब आप इसकी पर मंथ कॉस्ट चेक करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको इस कोड का इस्तेमाल जैसे ही आप करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। वर्षा कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और 12-24 महीने इसलिए भी क्योंकि जो आपका एसएससी का सिलेबस है और प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा चलता है, तो इसलिए आप 12 या 24 महीने का ही प्लान लीजिए। क्लास की टाइमिंग डेली 11:15 PM पे होती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने आप आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं जीए और जीएस का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, हु हैज़ अवॉर्डेड WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर हिज अकॉम्प्लिशमेंट इन द एरिया ऑफ टोबैको कंट्रोल, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमित शाह को, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन सी पीयूष गोयल को या ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी का आंसर डी आ रहा है और आप सभी का आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो अवार्ड दिया गया है WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, ये दिया गया है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन को, ठीक है। और डॉक्टर हर्षवर्धन को जो ये अवार्ड दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने इंडिया में टोबैको कंट्रोल के ऊपर जो उनका काम था, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वो काफ़ी अच्छी थी। आपके जो टोबैको पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ, 6% का डिक्रीज देखा गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड में जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, वो सबसे ज़्यादा किसकी प्रॉब्लम हो रही थी? सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। और अगर आप टोबैको का यूज़ करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होगी, आप हाइयर रिस्क पे रहोगे, तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी था। तो इसीलिए इस पर इन्होंने बहुत काम किया, बहुत अच्छे से वर्क किया, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये आपके फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे, ठीक है, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन। जो आपके नए हेल्थ मिनिस्टर बन चुके हैं वो कौन बन चुके हैं? मनसुख मांडविया, ठीक है, मनसुख मांडविया, ये आपके न्यू हेल्थ मिनिस्टर बन गए, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन को रिप्लेस करके। बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये फॉर्म कब हुआ था आपका? 7 अप्रैल
1948 में, और अभी इसके हेड कौन है, तो टेड्रस एधनम, ठीक है। अभी WHO के हेड कौन है, टेड्रस एधनम है, तो इसको भी आप लोग याद रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर इज डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी CIAE, ऑप्शन सी IFCO या ऑप्शन डी ICAR। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नई PR के क्रिएशन कंट्रोल हुआ है, ठीक है, हर चीज की रिपोर्ट रिलीज की जाती है तो कंट्रोल हुआ है, इसलिए ये न्यूज में आया। तो यहां पे सारे बच्चे IFCO आंसर दे रहे हैं, और बच्चे आंसर दो। तो सभी का आंसर सी है, बस एक बच्चे ने आंसर ए दिया है। करेक्ट आंसर इज सी, IFCO। तो IFCO आपका पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने पहली बार क्या इंट्रोड्यूस किया, नैनो यूरिया, ठीक है, नैनो यूरिया इंट्रोड्यूस किया। इसको यूज करने का फायदा क्या होगा, एक तो इससे आपकी जो नाइट्रोजन है उसका वेस्टेज कम होगा, ठीक है, नैनो यूरिया के यूज से नाइट्रोजन का वेस्टेज कम होगा। दूसरी चीज, जो आपकी उपज है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उपज आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। IFCO तो आप लोग जानते ही है, IFCO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इसके अभी चेयरमैन कौन है, बी एस नकई अभी चेयरमैन है किसके, IFCO के। और इसके अभी MD एंड CEO कौन है, यू एस अवस्थी इसके अभी MD एंड CEO है। IFCO है क्या, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। IFCO की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ IFCO। हाँ, टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। दिव्यांशु बता दो दिया आपको IFCO का फुल फॉर्म, आप लोग अगर नई दिल्ली मतलब दिल्ली के रहने वाले हो तो आप लोग जाते जब होंगे मेट्रो से येलो लाइन में तो आपको एक IFCO चौक भी मिलता होगा, दिखता होगा, तो ये आपका कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द कंट्री। इनमें से कौन किसी भी हाउसेज का यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन है जो आपके लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी रेलवे मिनिस्टर या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड का सारे स्टूडेंट का आंसर बी आ रहा है, प्रेसिडेंट। और आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, जो किसी भी हाउसेस का मेंबर नहीं होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट आपका रिपब्लिकन स्टेट का क्या होता है, लीडर, रिपब्लिकन स्टेट का गणतंत्र राज्य का क्या होता है, लीडर होता है। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी का कौन होता है, इंडियन एयरफोर्स का कौन होता है, ठीक है, कमांडर इन चीफ, तो वो भी कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट अभी कौन है, रामनाथ कोविंद है, ठीक है। हाँ, इंडियन एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ पूछा जाता है आपसे कि कौन होता है कमांडर इन चीफ, तो वो आपका प्रेसिडेंट होता है, कमांडर ऑफ चीफ। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ना ही आपके लोकसभा ना ही आपके राज्यसभा के मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। प्रकाश से निम्नलिखित किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो प्रभात, हर्ष, अमरेश, सभी का आंसर TIR आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है उसमें आपका जो प्रिंसिपल ऑफ लाइट है वो फॉलो करता है, जिससे कि आपकी लाइट वन एंड से अदर एंड तक पास करती है जो आपकी लाइट वो किससे करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, ठीक है, वन एंड से अदर एंड। तो आंसर फोर्थ का क्या हो जाएगा, TIR। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ,
Which method is used to separate the component of a mixture containing two miscible liquid having sufficient difference in their boiling point? तो आपसे पूछा गया है कि हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं कि अगर दो अलग अलग लिक्विड है जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो उनको सेपरेट करने के लिए. ऑप्शन ए क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन बी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी सिंपल डिस्टिलेशन या ऑप्शन डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बता दो. और सारे बच्चे एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो. तो हर्ष का आंसर डी आ रहा है, धर्म का सी, राजन का ए, पीआरके क्रिएशन का सी, आयुष का सी. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका उत्पल का डी, शशि का डी. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं जब हमें दो अलग अलग लिक्विड को सेपरेट करना होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो. सपोज आपने आपके वाइन को, अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल को, इसको छोड़ो, अल्कोहल को और वाटर को मिक्स कर दिया, ठीक है. अब आप अल्कोहल और वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है. अल्कोहल और वाटर को अगर आपने मिक्स कर दिया तो दोनों लिक्विड है, आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे? तो इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से सेपरेट करेंगे, क्योंकि जो आपका अल्कोहल होता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री, और जो आपका वाटर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री, ठीक है. तो जब आप इन दोनों को एक साथ बॉयल करेंगे तो 78 डिग्री पे आपका अल्कोहल क्या हो जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा और वो भाप बन जाएगा, तो उससे ये सेपरेट हो जाएगा. तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं. हाँ अखिलेश ले सकते हो, ठीक है. तो आंसर इज डी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन कैसे होगा, आप अगर आप अल्कोहल को और वाटर को मिक्स कर दोगे तो आप कैसे उसको सेपरेट करोगे. सुदर्शन क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको, मैंने आपसे कहा कि जैसे आपने अल्कोहल को और वाटर को मिक्स किया तो आप सारे लोग जानते हैं कि वाटर जो है आपका 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू होता है, लेकिन जो आपका अल्कोहल है वो 78 डिग्री पे ही बॉयल होना शुरू हो जाता है. तो जैसे ही आपका तापमान 78 डिग्री पे पहुंचेगा आपका अल्कोहल बॉयल होने लग जाएगा और वो भाप बन जाएगा. तो इससे ये, इस प्रोसेस से ये क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाएगी. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्वेश्चन नंबर सिक्स, द एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग. गोभी में खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ऑप्शन ए बर्ड, ऑप्शन बी फ्रूट, ऑप्शन सी इनफ्लोरेसेंस या ऑप्शन डी नन. क्वेश्चन नंबर सिक्स. हाँ तो शुभम मैंने भी तो यही कहा कि 78 डिग्री पे जैसे ही आप अल्कोहल को गर्म करोगे तो 78 डिग्री पे तो आपका अल्कोहल बॉयल होकर के क्या बनने लग जाएगा, भाप बनने लग जाएगा. तो वो ऑटोमेटिकली वाटर, वो भाप जब बनेगा तो वाटर से सेपरेट हो जाएगा. तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है ए, डी एंड सी, सारे बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं. लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आप बंद गोभी खाते हैं ना, कैबेज जो खाते हैं, बंद गोभी जो खाते हैं, वो उसका क्या होता है, बर्ड होता है. बर्ड आपका वो पार्ट होता है जहाँ से आपके स्टेम या फिर लीफ निकलता है लेकिन आपके फ्लावर नहीं निकलता, ठीक है. अगर आपने कभी भी बंद गोभी का पौधा देखा होगा तो आप समझ जाएंगे देख करके कि वो क्या होता है, बर्ड होता है. उसके चारों ओर आपको क्या दिखेगी, लीफ दिखेगी, वो लीफ के अंदर कवर रहता है. तो आपका बर्ड वो पार्ट है जिसको हम कैबेज में खाने के लिए यूज़ करते हैं. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हर्षवर्धन का आंसर ठीक आया था, आयुषी का भी आंसर ठीक आया था, विवेक का भी आंसर ठीक आया था, और जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का आंसर ठीक आया था. अब क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनमें से कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं अपॉइंट होता है, ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर या ऑप्शन डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ. तो भूपेंद्र का आंसर वाइस आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट. तो आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है. जिसको आपके राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट को आपके राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं. और इसके अलावा जो आपसे पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट की शपथ कौन दिलवाता है, उनकी ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, शपथ कौन दिलवाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है.
उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। तो आपके वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाता है। इसके अलावा एक दिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको इलेक्ट किया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसको इलेक्ट नहीं, इसको अपॉइंट ही किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है आपका? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एम वेंकैया नायडू आपके करेंट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज ए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति के द्वारा नहीं अपॉइंट किया जाता, जो इनकी शपथ होती है ना उसको एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट। और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। किसका? राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। हाँ बिल्कुल, वेंकैया नायडू एकदम करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया? ऑप्शन ए 24th, ऑप्शन बी 26th, ऑप्शन सी 23rd या ऑप्शन डी 25th। क्वेश्चन नंबर 8 माही क्या हो गया आपको? पोएट्री हब। हाँ, एक राज्यसभा से ये भी क्वेश्चन बनता है, जो राज्यसभा का एक क्वेश्चन बनता है ना कि राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका परमानेंट, क्योंकि आपका जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है, तो उसका आंसर होता है 6 ईयर्स, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 ईयर्स, लेकिन राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो परमानेंट होता है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रभात, गार्गी, उत्पल सभी का आंसर ए आ रहा है, 24th। बिल्कुल, तो 24th एकदम करेक्ट आंसर है। जो आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 का, कब का? 1971 का। उसके तहत आपका जो आपके जो राष्ट्रपति है उनको सहमति देना ज़रूरी है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर। अगर आपके संविधान में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसमें किसकी सहमति होनी चाहिए? राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि आर्टिकल 368, जो आपका आर्टिकल 368 है पार्ट 20, कौन सा पार्ट? पार्ट 20, उसमें किसके पास ये अधिकार होता है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास, संसद के पास ये अधिकार होता है कि वो संविधान में क्या कर सकता है? चेंजेस कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज आप जो आपका पार्लियामेंट है वो संविधान में क्या कर सकता है? चेंजेस कर सकता है। और क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं हमारे संविधान में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है। सिर्फ आपके अमेंडमेंट के कारण इसको पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर इज ए 24th। उल्टा लटक के लाइव देख रहे हो। आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो आपके वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम क्या था? ऑप्शन ए टोबैको एक्सपोज्ड, ऑप्शन बी टोबैको एंड हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी टोबैको अ थ्रेट टू डेवलपमेंट या ऑप्शन डी कमिट टू क्विट। क्वेश्चन नंबर 9 अन अकेडमी पे मेरी क्लास डेली होती है। सबसे पहले तो इतना बड़ा धोखा तो मत ही दिया करो, कम से कम अगर 127 बच्चे लाइव अभी देख रहे हो तो कम से कम सारे के सारे बच्चे पहले वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अगर कोई इतनी रात तक जगता है, मेहनत करता है, तो आपको उसको वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो डेली मेरी अन अकेडमी पे क्लास होती है 4:55 PM पे। तो यहाँ पे मृत्युंजय विष्णु, पोएट्री हब सभी का आंसर डी है।
एंड डी इज द, और जिसका भी आंसर डी है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे है, इसका थीम क्या था? कमिट टू क्विट। और किस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे? 31 मई को, 31 मई को आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कमिट टू क्विट। ठीक है, और डे भी याद रखना 31 मई। दिनेश, उत्पल, लक्ष्मण, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। कामेश, आपका भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, BCCI हैज कंफर्म्ड दैट द IPL 2021 फेज 2 विल बी हेल्ड इन ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी UAE। आप लोगों को मालूम है कि अभी IPL स्टार्ट हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे थे इसलिए उसको बीच में ही रोक दिया गया। तो उसी का फेज 2 कहाँ पे होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तुम लोग मतलब लाइक नहीं कर सकते ना सेशन को, सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है, मिसलेनियस प्लेटफॉर्म में कहाँ से हूँ, ये क्वेश्चन तो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर इज डी, UAE। तो BCCI ने कंफर्म किया था कि IPL का जो फेज 2 होगा वो कहाँ पे होगा? UAE में होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। और क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि आपके कोविड के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए ये डिसीजन लेना पड़ा था, बीच में ही आपके IPL को रोकना पड़ गया था। ठीक है, और UAE में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है बताओ? हाँ, वीवो IPL 2021 बताओ किसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे? और BCCI के अभी प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली है BCCI प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, पॉल श्लुएटर हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पॉल श्लुएटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए आइसलैंड के, ऑप्शन बी ग्रीस के, ऑप्शन सी रशिया के या ऑप्शन डी डेनमार्क के। हाँ, दादा है। ठीक है, हाँ, ICC का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ICC का हेडक्वार्टर है आपके वहाँ पे, ICC बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल सभी का आंसर। इस क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। जो आपके पॉल श्लुएटर थे, ये कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1988 से लेकर के 1992 तक, ठीक है, 1987 से लेकर के 1992 तक वो वहाँ पे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और इसके अलावा डेनमार्क, इसकी राजधानी तो आप लोग सारे जानते ही होंगे, क्या है? कोपनहेगन। कोपनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। इसके अलावा इसकी जो एक करेंसी है, जो इसकी करेंसी है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और पूछी क्यों जाती है? आप लोग जानते हैं कि स्वीडन इसकी करेंसी क्या है? क्रोना। ठीक है, क्रोना। और जो आपके डेनमार्क है, इसकी करेंसी क्या है? क्रोन। तो दोनों काफ़ी सिमिलर है, यहाँ पे क्रोना है, यहाँ पे क्रोन है, दोनों काफ़ी सिमिलर है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब स्वीडन का पूछता है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में डेनमार्क मिलता है, और जब आपसे डेनमार्क का पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में स्वीडन मिल जाता है। तो क्रोना और क्रोन में डिफरेंस रखना, स्वीडन की क्रोना है और डेनमार्क की क्या है? क्रोन है करेंसी। पिंटू शाहू हेलो, प्रभात हेलो, गुड इवनिंग। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट हैज लॉन्च द अंकुर स्कीम टू इनकरेज सिटीजन टू प्लांट ट्री ड्यूरिंग मॉनसून? मॉनसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सारे बच्चे जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो यहाँ पे सभी बच्चों का आंसर आ रहा है मध्य प्रदेश, गौरव का, संगीता का, विनय का, संजीव का, एंड मध्य प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। जो आपका अंकुर स्कीम है ना, ये आपके लॉन्च किया था मध्य प्रदेश ने, ताकि वो लोगों को इनकरेज कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री का प्लांटेशन किया जा सके। और आप लोग जानते हैं कि जब कोविड का सेकेंड वेव आया, और उससे पहले भी बहुत जगह आपके ऑक्सीजन प्लांट को सेटअप किया गया, और बहुत जगह आगे किया भी जा रहा है और आगे किया भी जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी। तो जब ये बात आई ना
कि उन्हों वहाँ के जो आपके सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करना तो अलग चीज़ है, लेकिन जो आपका नेचुरल सोर्स है ऑक्सीजन का वो क्या है, ट्रीज। तो यहाँ पे ट्रीज को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही जाके आपके जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी होगी। तो जो आपका नेचुरल सोर्स है कम से कम वो होना चाहिए आपके पास, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीज लगाना चाहिए। इसलिए उनको इनकरेज करने के लिए उन्होंने अंकुर स्कीम लॉन्च किया था, और जो भी अंकुर स्कीम के विनर थे उनको कौन सा अवार्ड दिया गया, प्राण वायु अवार्ड। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया उनको, प्राण वायु अवार्ड दिया गया वहाँ के सीएम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, और एक बार जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे ये जल्दी से बता दो कि एमपी का नया गवर्नर कौन बन गया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑप्शन बी रवि शास्त्री, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। हाँ मंगू भाई, चगन भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मंगू भाई, चगन भाई आपके नए गवर्नर बने हैं, पहले कौन थी, आनंदीबेन पटेल थी। तो गौरव क्लासेस, संगीता, विष्णु, सभी का आंसर रवि शास्त्री आ रहा है, एंड रवि शास्त्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपके फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, और फिलहाल अगर आप मैच देखते हैं तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, कमेंटेटर का काम करते हैं, कमेंटेटर है रवि शास्त्री। तो ये स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ ये इनकी डेब्यू बुक थी। ठीक है, ये इनकी डेब्यू बुक थी, और वो अपनी लाइफ में जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स से मिले हैं, 60 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स जिनसे वो मिले हैं और जिन्होंने उनको इंस्पायर किया, तो ये किताब उन्होंने उन पे ही लिखी है। ठीक है, इस किताब में उन्होंने 60 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स के बारे में लिखा है जिन्होंने उनको इंस्पायर किया है उनके पूरी लाइफ के दौरान। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी रवि शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी लाइट पेन, ऑप्शन सी वीडियो, या ऑप्शन डी माउस। कोच, ठीक है कोच है, कमेंटेटर भी है। ठीक है, हेड कोच है तो कमेंटेटर भी है। तो यहाँ पे सारे बच्चे का आंसर आ रहा है वीडियो। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विजुअल, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपका क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर बाय चांस यहाँ पे ऑप्शन में मॉनिटर रहता तो मॉनिटर क्या रहता, इनपुट रहता या आउटपुट रहता, तो याद रखना वीडियो मॉनिटर स्पीकर ये सारे आपके क्या होते हैं, मॉनिटर स्पीकर हेडफोन ये सारे के सारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर इज सी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो यहाँ पे सारे बच्चे का आंसर डेनमार्क आ रहा है, इतना जोश में क्यों हो जो डेनमार्क का आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15, यूएसए डेनमार्क, यहाँ पे पूछा गया था मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो मुझे यहाँ पे केवल दिनेश कुमार और संजीव का फिलहाल आंसर दिख रहा है, तो आंसर इज डी आयरलैंड। ठीक है, यहाँ पे आपसे देखो थोड़े थोड़े के लिए गलती कर देते हो, यहाँ पे आपसे पूछा गया था मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्शन जो प्रोसीजर होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वो कहाँ से लिया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। हमने यूएसए से क्या लिया है, हमने यूएसए से रिमूवल लिया है जिसको कि आप इम्पीचमेंट कहते हो। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया है। यहाँ पे डाउट मत रखा करो, यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसीजर हमने लिया है आयरलैंड से, लेकिन प्रेसिडेंट को इम्पीच अगर हम करते हैं या फिर उनके जो फंक्शंस हैं ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने यूएसए से लिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आयरलैंड से। आयरलैंड से और कौन कौन सी चीज़ें ली है, एक तो आपका डीपीएसपी, डीपीएसपी जो आपका क्या है पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51, और अगली चीज़ हमने क्या ली है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा।
नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो डीपीएसपी पिंटू शाहू मैंने बता दिया, तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा और डीपीएसपी ये हमने आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा हमने मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से लिया है, और आयरलैंड से हमने ये तीन ही चीज़ ली है। और यूएसए का याद रखना कि आपका जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा या फिर फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा, ये दोनों चीज़ें हमने यूएसए से ली है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे है, ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो यहाँ पे सभी बच्चों का आंसर 16 का बी आ रहा है, हैदराबाद आ रहा है, पुणे आ रहा है। और सिर्फ मुझे यहाँ पे महानंदा का आंसर सी सही दिखाई दे रहा है। तो आपका जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, इसका हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की। आप जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि CSIR का चेयरमैन कौन होता है, CSIR का चेयरमैन कौन होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि CSIR का चेयरमैन कौन होता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा GA/GS बाय वर्षा सिंह, ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, CSIR का चेयरमैन कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है CSIR का चेयरमैन, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की फुल फॉर्म होती है, और ये इसकी क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग हैज बीन फॉर्म टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, निम्नलिखित में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया, ऑप्शन ए IRDA को, ऑप्शन बी DIT को, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन को, या ऑप्शन डी इनमें से किसी को भी नहीं। हाँ, अभी प्रेजेंट मोदी जी है। रफ़ी, हेलो रफ़ी मगदनर, हाय। तो यहाँ पे सभी का आंसर, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, प्लानिंग कमीशन। जो आपका नीति आयोग है ना, ये आपका प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया, कब आया, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, कब आया, 1 जनवरी 2015 में। और मैंने नीति आयोग का क्यों पूछा, इसीलिए पूछा क्योंकि जो नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत, उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है, 1 ईयर का क्या मिल गया, एक्सटेंशन मिल गया, यानी अगले 1 साल तक वो और क्या रहेंगे, नीति आयोग के CEO रहेंगे, ठीक है। जो चीज़ न्यूज़ में रहती है वो पूछी जाती है। और इसके चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, ये है आपके PM नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन कौन है राजीव कुमार। और आखिरी 5 ईयर प्लान कौन सा था, आपका 12th 5 ईयर प्लान था, जो कि 12 से लेकर के 17 तक चला था, ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान आपका आखिरी 5 ईयर प्लान था। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में आया था, अमिताभ कांत जो इसके CEO है उनको 1 साल का एक्सटेंशन अभी मिला है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय डैश ऑन द टू सरफेस इन कॉन्ट्रैक्ट, ए डेंसिटीज, बी गैप्स, सी इरेगुलरिटीज, या ऑप्शन डी स्मूथनेस। क्वेश्चन नंबर 18, PDF आपकी फाइल होती है। प्रभात, तुम तो कम से कम ऐसी बात मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रिक्शन आपके किसके कारण होता है, इरेगुलरिटीज के कारण आपका फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अगर आपका सरफेस स्मूथ रहेगा तो नहीं होगा, गैप रहेगा तो नहीं होगा, डेंसिटी रहेगी तो नहीं होगी, इरेगुलरिटीज होना जरूरी है फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज ऑल्सो नोन एज विट्रियल ऑफ क्ले, इनमें से किस केमिकल को विट्रियल ऑफ क्ले के नाम से भी जाना जाता है। दरोगा जी, मैं नींद में लग रही हूँ तो मैं पढ़ा कैसे रही हूँ। और एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सभी, जल्दी से। तो सारे बच्चे यहाँ पे दे रहे हैं,
सभी का ए बी सी अलग अलग आ रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे आपसे पूछा है विट्रियल ऑफ क्ले पूछा है, ठीक है? तो जो आपका विट्रियल ऑफ क्ले होता है ना, चलो तुम्हारे लिए मैं दो ऑप्शन छाट देती हूँ, ए और डी को छाट दिया तुम्हारे लिए, बी सी में से आंसर है, आप दे दो आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 का, तो दो ऑप्शन छाट दिए थे तभी आंसर नहीं दे पा रहे हो, आंसर इज एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है? एल्युमिनियम सल्फेट को विट्रियल ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है, विट्रियल से आपके दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि ब्लू विट्रियल किसे कहा जाता है, उसके बाद स्पिरिट ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है, उसके बाद ग्रीन विट्रियल किसे कहा जाता है, उसके बाद आपका वायलेट विट्रियल किसे कहा जाता है, उसके बाद आपका वाइट विट्रियल किसे कहा जाता है। तो जल्दी से बताओ, ब्लू किसे कहते हैं, स्पिरिट ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं, ग्रीन किसे कहते हैं, वायलेट किसे कहते हैं, वाइट किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ब्लू विट्रियल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे पोएट्री कहाँ से आ गया? यहाँ पे कॉपर सल्फेट, कौन सा होता है कॉपर सल्फेट? बिल्कुल करेक्ट, ब्लू विट्रियल आपका क्या होता है? कॉपर सल्फेट, ठीक है? कॉपर सल्फेट। आपके व्हाइट विट्रियल क्या होता है? जिंक। ग्रीन विट्रियल क्या होता है और स्पिरिट क्या होता है? ग्रीन और स्पिरिट क्या होता है? तो ग्रीन आपका आयरन होता है और स्पिरिट क्या होता है? सल्फ्यूरिक, ठीक है? सल्फ्यूरिक। तो ब्लू कॉपर, स्पिरिट आपका सल्फ्यूरिक, ग्रीन आपका आयरन एंड व्हाइट आपका जिंक, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज बी, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज टेकन ओवर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ CII, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार मिला? ऑप्शन ए उदय कोटक को, ऑप्शन बी रतन टाटा को, ऑप्शन सी अनिल अंबानी को, या ऑप्शन डी टीवी नरेंद्रन को। जुगरा जोश में लग रही हूँ, अच्छी बात है ना? आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी से आंसर दो। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है टीवी नरेंद्रन, एंड टीवी नरेंद्रन इज द करेक्ट आंसर। टीवी नरेंद्रन आपके नए CII बन चुके हैं, किसको रिप्लेस करके? उदय कोटक को रिप्लेस करके, ठीक है? उदय कोटक को रिप्लेस किया है टीवी नरेंद्रन ने, और टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के क्या है? MD, टाटा स्टील MD, कौन? टीवी नरेंद्रन, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, टीवी नरेंद्रन। बिल्कुल टीवी नरेंद्रन, TVS कहाँ से आ गया? टाटा होगा, टाटा। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड MBTAG, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट? किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MBTAG विकसित किया? और ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था आपका MBTAG। मैंने कभी आज तक चंदन CGL का एग्जाम नहीं दिया है, जो मेरी CGL में रैंक आएगी। तो यहाँ पे बच्चे USA कहाँ से आ गया? तो जो भी बच्चे IIT रोपड़ आंसर दे रहे हैं, तो IIT रोपड़ इज द करेक्ट आंसर। जो आपका MBTAG है ना, ये भारत का पहला इंडिजीनियस टेम्परेचर लॉगर है, ठीक है? भारत का पहला इंडिजीनियस टेम्परेचर लॉगर, जिसको कि अगर आप एक बारी चार्ज करते हैं तो 90 डेज तक ये वर्क करेगा, ठीक है? एक बारी चार्ज करने पर ये 90 डेज तक वर्क करेगा, और ये आपके -40 डिग्री से लेकर के +80 डिग्री तक के टेम्परेचर को क्या कर सकता है? माप सकता है, ठीक है? -40 से लेकर के +80 डिग्री तक के टेम्परेचर को मापेगा 90 डेज तक। ये अगर आप एक बार चार्ज करते हैं तो 90 डेज तक इसकी बैटरी काम करेगी। जो आपके पहले आते थे टेम्परेचर लॉगर, वो सब मैक्सिमम आपके 30-60 डेज चलते थे, ठीक है? तो ये इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 90 दिन तक काम करेगा, इसलिए ये न्यूज़ में आया। और ये -40 से लेकर के +80 डिग्री तक टेम्परेचर को नापेगा हर एक चीज़ की, चाहे आपकी कोविड की वैक्सीन हो, आपके ऑर्गन्स हो, कोई भी चीज़ हो, उसके टेम्परेचर को मापने के लिए MBTAG को बनाया गया है। किसके द्वारा? IIT रोपड़ के द्वारा। हाँ, -40 to 80 एकदम करेक्ट आंसर है मोनोवर आपका।
का परफेक्ट एक्सपीरियंस मतलब चंदन 22 who has recently appointed as the head of National Human Rights Commission. हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए बी एन श्री कृष्णन को, ऑप्शन बी बी एन सुमन राव को, ऑप्शन सी बी केमल पाशा को या ऑप्शन डी अरुण मिश्रा को. क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इजी क्वेश्चन है. कमला हैरिस हेलो, आप तो वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ की, वो भी 49th नंबर की. तो यहाँ पे आप सभी आंसर एकदम करेक्ट दे रहे हैं. लूसीफर, प्रिया, प्रकाश, वायरस, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है. जिस भी बच्चे का आंसर डी है उनका आंसर एकदम करेक्ट है. जो आपके नए एनएचआरसी के हेड बने वो कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे. ठीक है, ये पहले क्या रह चुके हैं? सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं. ये जो एनएचआरसी की पोस्ट थी ना, ये पिछले 6-7 महीने से खाली थी, क्योंकि जो आपके लास्ट थे एचएल दत्तू थे, जो कि आपके दिसंबर 2020 में रिटायर कर गए थे. ठीक है, लास्ट जो हेड थे वो कौन थे? एचएल दत्तू थे, जो कि दिसंबर 2020 में रिटायर कर गए थे. और अरुण मिश्रा आपके 8th नंबर के हेड बने. ठीक है, 8th हेड बने एनएचआरसी के. ठीक है, 8वें हेड बने हैं ये एनएचआरसी के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के. किसको रिप्लेस किया? एचएल दत्तू को रिप्लेस किया. और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल DMCRC? हाल ही में नवगठित स्वयं नियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इससे आप समझ ही गए हैं कि ये क्या है, आपका नया रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया है. ठीक है, ऑप्शन ए बी केमल पाशा, यहाँ पे कुछ और डाल दो. ऑप्शन बी सुनील अरोरा, ऑप्शन सी अरुण मिश्रा या ऑप्शन डी विक्रमजीत सिंह. क्वेश्चन नंबर 23, प्रभात तुम आंसर दो चुपचाप से. ठीक है, आंसर पे फोकस करो. हाँ, तो सबका आंसर बिल्कुल विक्रमजीत सेन, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है. जो आपका नया रेगुलेटरी बॉडी बना है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? विक्रमजीत सेन, जो कि आपके फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं. ये भी आपके फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं. ये जो आपकी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल है, ये किसके अंडर आएगी? ये आपके IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के अंदर आएगी. ठीक है, यानी इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हुई? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हुई. और आपसे पूछा जाए कि विक्रमजीत सेन को किस बॉडी ने अपॉइंट किया, तो इनको IBF ने, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन ने ही अपॉइंट किया है. किसको? विक्रमजीत सेन को. और ये जो आपका रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया, इसको बनाने का जो उद्देश्य था, एक तो ये था कि जो आपके जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है या फिर जितने भी आपके मूवी वगैरह ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपर एथिक को फॉलो किया जाए, कुछ भी गलत चीज़ें ना दिखाई जाए. इसके साथ ही साथ दोनों को मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए, आपके ब्रॉडकास्टर को भी और OTT को इम्पोर्टेंस इक्वल मिलनी चाहिए, इसीलिए इसको बनाया गया. तो 23rd करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 24th, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर एंड चाइल्ड वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज? भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या ऑप्शन डी राइट टू इक्वेलिटी. क्वेश्चन नंबर 24th, तो 24th का सारे बच्चे आंसर बी दे रहे हैं. एंड आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है. जो आपका ये फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आपके आर्टिकल 23 एंड 24 में है. ठीक है, आर्टिकल 23 एंड 24 में है. ठीक है, आप लोग जानते हैं कि टोटल आपके फंडामेंटल राइट्स, टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6, और फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11. ठीक है, इसमें डाउट रहता है तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स आपके 6 है, ड्यूटीज आपकी 11 है. और आपका जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो आपके आर्टिकल 23 एंड 24 में आता है, जिसमें कि आपकी मानव तस्करी, चाइल्ड लेबर या फिर आपके चाइल्ड जो 14 साल से कम के होंगे उनसे काम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा. और जो आपका पार्ट 3rd है,
पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है? फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के कहाँ तक है? 35 तक, ठीक है? तो 24th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इमरान खान, वेलकम टू द क्लास. क्वेश्चन नंबर 25. एज पर द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ट इन इंडिया? तो अभी जो आपकी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, उसके मुताबिक भारत में सर्वोच्च यूनिवर्सिटी कौन सा है? ऑप्शन है IISc बेंगलोर, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIFT न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी IIM अहमदाबाद. क्वेश्चन नंबर 25. तो यहाँ पे IISc सारे बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे मद्रास बोल रहे हैं. तो मद्रास नहीं होगा, जो करेक्ट आंसर होगा सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक जो भारत में जिसने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में, वो है आपका IIM अहमदाबाद. और इसकी रैंकिंग कितनी थी? इसकी रैंकिंग कितनी थी वर्ल्ड वाइड? 415. टोटल आपके 19,778 यूनिवर्सिटीज़ थे, उसमें से आपके IIM अहमदाबाद की रैंकिंग थी 415. और जो टॉप किया है, टॉप किया आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. लास्ट टाइम का डेटा मत याद रखो IISc बेंगलोर, इस साल का याद रखो. तो आपके टॉप पे है IIM अहमदाबाद, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग है 415. इंडिया में ये फर्स्ट नंबर पे है. और वर्ल्ड वाइड जो जिसने टॉप किया है, वो है आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. और ये सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 18th एडिशन था, ठीक है? कौन सा एडिशन था, कौन सा सत्र था? 18वां सत्र था, ठीक है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, IIM अहमदाबाद. और किसी ब्यूटी सिंह का आंसर बिल्कुल ठीक था, विनय विनी का भी आंसर बिल्कुल ठीक था, और राजू सैनी आपका भी बिल्कुल ठीक था, ठीक है? और जिस भी बच्चे ने अनिमेश, अगर आपका 1000 वाला सीरीज़ में कुछ डिले भी होता है ना, तो उसके लिए मैंने आपको PDF सेंड कर दिया है, ठीक है? क्लास, आप उस PDF को पढ़ो, उसमें आपका टाइम कम वेस्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे जितनी देर में आप 1 घंटे की क्लास लोगे, उससे अच्छा आप एक बार PDF को पढ़ लो, क्योंकि आप क्लास से पहले ही PDF पढ़ लो. इसलिए मैंने आपको PDF प्रोवाइड की है, क्योंकि उसमें पुराने क्वेश्चंस भी है और सबको करवाने में बहुत टाइम जाएगा. हु हैज़ वर्चुअली लॉन्च द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इंश्योर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर? ऑप्शन ए थवरचंद गहलोत, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, या ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान. और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से गेस कर सकते हो. अच्छा, चाइना और पाकिस्तान. अच्छा, कमला हैरिस, फोटो भी कमला हैरिस की लगाई है? नहीं, फोटो तो कमला हैरिस की नहीं लग रही. प्रियंका सिंह, हेलो. एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. तो यहाँ पे राजू सैनी, थवरचंद गहलोत, ऑल इन वन का नरेंद्र तोमर, ब्यूटी का नरेंद्र तोमर. तो नरेंद्र तोमर इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट की बात हुई, और जब भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आ जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर होगा, ठीक है? तो जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, यही इसका करेक्ट आंसर है. धर्मेंद्र प्रधान आप लोग जानते हैं कि किस चीज़ के नए मिनिस्टर बन चुके हैं? एजुकेशन. अर्जुन मुंडा तो आप सभी जानते हैं कि ट्राइबल मिनिस्टर है. और थवरचंद गहलोत क्या बन चुके हैं? कर्नाटका के नए गवर्नर, ठीक है? कौन? थवरचंद गहलोत. तो 26 करेक्ट आंसर इज सी, नरेंद्र सिंह तोमर. MG गेमर, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक था, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है? नरेंद्र सिंह तोमर, आप जिसने भी नरेंद्र सिंह तोमर आंसर दिया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. फॉर एन ऑब्जेक्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ डैश स्पीड. किसी वस्तु के लिए विराम अवस्था को डैश गति की अवस्था में माना जाता है. ऑप्शन ए डिक्रीजिंग, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग, या ऑप्शन डी इनवर्स, ठीक है? अगर आपके कोई भी चीज़ रेस्ट में है, तो उसको उसकी स्पीड क्या रहेगी? 25 का आंसर बताओ. आप USA चाइना खुद आपस में डील कर ले तो ज़्यादा अच्छा है. तो यहाँ पे सारे बच्चे का आंसर जीरो आ रहा है, एंड जीरो इज द करेक्ट आंसर. अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी?
जीरो रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, और जब ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है, तो उसकी स्पीड तो जीरो ही रहनी है ना, वो घटेगी ना बढ़ेगी ना उल्टी होगी, तो आंसर इज जीरो। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था वैसे। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज अज्यूम द चार्ज एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए रवनीत सिंह ने, ऑप्शन बी अशोक कुमार ने, ऑप्शन सी गोविंद आनंद ने, या ऑप्शन डी इनमें से किसी ने भी नहीं। कौम लोग प्रकट हो गए, कौम या कौन? हर्ष, वीजा मेरा फ्री कर दिया, अभी तक तो मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना है, तो वीजा कैसे फ्री हो जाएगा? पहले पासपोर्ट बनाना जरूरी है मुझे। तो यहाँ पे राज कुंद्रा कहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है? आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो आपके नए डेप्यूटी चीफ बने हैं ना इंडियन नेवल के, वो कौन बने? रवनीत सिंह बने, ठीक है। रवनीत सिंह इज द करेक्ट आंसर। और इसके अभी डीजी कौन है नेवी के? तो डीजी भी याद रखना करमबीर सिंह। करमबीर सिंह आपके डायरेक्टर जनरल है किसके? इंडियन नेवी के। तो 27 करेक्ट आंसर इज ए रवनीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी इन द कंट्री टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन सा संगठन केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बन गया? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी CPO, ऑप्शन सी RDSO, या ऑप्शन डी CIC। क्वेश्चन नंबर 28, व्लादिमीर तुम सारे मेरा वीजा ही फ्री करोगे, पहले मुझे वो बनवाने दो पासपोर्ट। तो यहाँ पे सभी का आंसर सी आ रहा है, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के वन नेशन वन स्टैंडर्ड को फॉलो किया। और जो आपका रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है किसका? रेलवे मिनिस्ट्री का, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री का। और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अभी नए रेलवे मिनिस्टर आपके कौन बने हैं। तो याद रखना रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है किसका? रेलवे मिनिस्टर का। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव को रिप्लेस करके। अब जल्दी से बताइए कि पीयूष गोयल को किसने रिप्लेस किया? कौन अभी नया रेलवे मिनिस्टर है? बिल्कुल करेक्ट, अश्वनी वैष्णव, ठीक है, अश्वनी वैष्णव। ये आपकी क्या है? न्यू रेलवे मिनिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज सी। 29, द वर्ड कैबिनेट इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है? ऑप्शन ए 352 में, ऑप्शन बी 74 में, ऑप्शन सी 76 में, ऑप्शन डी 350 में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मेरठ में किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पे सारे बच्चे 74 दे रहे हैं आंसर, 76 आंसर दे रहे हो सभी, और मुझे सिर्फ धर्म सिंह माली का आंसर सही दिखाई दे रहा है। तो धर्म सिंह माली आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपके आर्टिकल 352 सब आर्टिकल थर्ड में आपका कैबिनेट शब्द का मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्यों बना? ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि पूरे संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक बार ही हुआ है, ठीक है, ओनली वंस, केवल एक बार ही आपके पूरे संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया आर्टिकल 352 सब आर्टिकल थर्ड के अंदर कैबिनेट। तो 29th आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज इन तमिलनाडु? इनमें से कौन सा पर्वत तमिलनाडु का भाग है? ऑप्शन ए नालामाला हिल्स, ऑप्शन बी जावेड़ी हिल, ऑप्शन सी अनामलाई हिल्स, या ऑप्शन डी शेरावोई हिल्स। क्वेश्चन नंबर 30, तो यहाँ पे सबका आंसर आ रहा है सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। जो आपका अनामलाई हिल्स है ये कहाँ पे आपके पड़ता है? तमिलनाडु में। तो आंसर इज 30 का सी। और तमिलनाडु के CM कौन है अभी? MK स्टेलिन,
न्यू सीएम ऑफ तमिलनाडु. वैसे पुराने हो चुके हैं लेकिन एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से नए हैं. क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट हैं बताइए. तो यहाँ पे 31 का सारे बच्चों का आंसर ए आ रहा है एंड ए इज द करेक्ट आंसर. आपके जो टोटल रिट है संविधान में वो कितने तरीके के हैं? 5 तरीके के हैं. मैं लिख रही हूँ तब तक आप भी कमेंट करके बताओ कौन कौन से हैं. ठीक है, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी. ठीक है, ये आपके 5 तरीके के रिट होते हैं जो आपके संविधान में है. तो आंसर क्या हो जाएगा? 5. और यहाँ पे सभी एक ही आंसर दे रहे हो, मैंडमस मैंडमस मैंडमस. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 तरीके के रिट होते हैं, 5 आपके सामने लिखे हैं. क्वेश्चन नंबर 32, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट अ एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड. जब आपका जो सॉलिड पदार्थ होता है, जब कोई ठोस चीज़ होती है उसको पिघलाया जाता है लिक्विड में, लिक्विड के फॉर्म में चेंज किया जाता है एटमोस्फेरिक टेम्परेचर में, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइजेशन या ऑप्शन डी इवेपोरेशन. और सारे बच्चे विश्वजीत हिंदी भी यूज़ कर लो. एम जी गेमर, मेरी क्लास डेली लाइव होती है रात को 11:15 11:15 PM पे यूट्यूब पे और 4:55 PM पे, 4:55 पे मेरी क्लास लाइव होती है अन अकेडमी के लर्नर ऐप पे. तो आप जब ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसको क्रॉस करिए लाइव चैट को. यहाँ पे एरो का साइड में साइन आ रहा है, उस पर क्लिक करो. जो पहला लिंक है वो मेरी प्रोफाइल लिंक है अन अकेडमी की, उस पर क्लिक करोगे तो प्रोफाइल को फॉलो कर लेना और डेली 4:55 पे फ्री क्लास को ज्वाइन करना. ठीक है, और अभी मेरी जो प्लस पे क्लास चल रही है वो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे को चल रही है 7:00 PM पे. तो आप में से जो भी बच्चा पॉलिटी की, ठीक है, किस चीज़ की क्लास चल रही है अभी? पॉलिटी की. तो जो भी बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेता है तो आप मेरा रेफरल कोड वर्षा यूज़ करिएगा, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, वर्षा कोड का यूज़ करना, चाहे आप बैंक, SSC, रेलवे, डिफेंस, UPSC, BPSC, CBSE कुछ भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप इसी कोड का इस्तेमाल करना. तो 32 करेक्ट आंसर इज ए मेल्टिंग पॉइंट. क्या कहा जाता है इसको? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है. PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे. पहले तो ये बात मुझे समझ नहीं आता, कितनी बारी मैं बताऊँ, टेलीग्राम चैनल GA/GS बाय वर्षा सिंह, बाय वर्षा सिंह, ये आपका टेलीग्राम का चैनल है. इससे सारे बच्चे जुड़ जाओ, क्लास ख़त्म होने के 5 मिनट के अंदर आपको PDF मिल जाएगी. बस सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और कोड वर्षा याद रखना जब भी सब्सक्रिप्शन लेना. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज बेस्ट बेस्ड अपॉन आयरन कंटेंट. तो लोह अयस्क का निम्न में से कौन सा गुण लोह तत्व पर आधारित सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए लिमोनाइट, ऑप्शन बी सिडेराइट, ऑप्शन सी हेमाटाइट या ऑप्शन डी मैग्नेटाइट. क्वेश्चन नंबर 33. चलो 33 का बताओ आंसर. 33 का सारे बच्चे सी बोल रहे हो और मुझे यहाँ पे केवल ऑल इन वन का आंसर बिल्कुल ठीक दिख रहा है. तो जो आपका सबसे सर्वोत्तम होता है वो होता है आपका मैग्नेटाइट. ठीक है, सबसे जो आपका सर्वोत्तम होता है वो आपका होता है मैग्नेटाइट. सेकेंड नंबर पे आपका आता है हेमाटाइट, थर्ड नंबर पे आता है आपका लिमोनाइट और फोर्थ नंबर पे जो इसमें सबसे घटिया है वो कौन सा है? सिडेराइट. तो फर्स्ट पे मैग्नेटाइट, सेकेंड पे हेमाटाइट, थर्ड पे लिमोनाइट और फोर्थ पे आपके सिडेराइट. ये आपका, ये याद रखना, MHLS. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर इज डी मैग्नेटाइट. स्टडी पॉइंट MG गेमर, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है. कामेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी. 34th, द ब्रांच ऑफ साइंस हर्पेटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ. हर्पेटोलॉजी विज्ञान की शाखा
का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इंसेक्ट से, ऑप्शन बी स्नेक से, ऑप्शन सी एम्फीबियंस और रेप्टाइल से, ऑप्शन डी आपके फिशेस से। क्वेश्चन नंबर 34th, ब्लैक हेड्स हो जाएंगे या डार्क सर्कल हो जाएंगे हिमांशु? तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो प्लीज। आप लोग सेशन को कंप्लीट होने से पहले 6 क्वेश्चन बाकी है, 300 लाइक कंप्लीट करो, ठीक है? तो यहाँ पे सबका आंसर आ रहा है सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? जो भी आपके एम्फीबियन या फिर रेप्टाइल जो आपके क्रॉल एंड क्रीप करते हैं, रेंगते हैं या क्रीप करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स कहा जाता है, और इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? तो 34th करेक्ट आंसर इज सी, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। तो रेप्टाइल एंड एम्फीबियन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलीन अर्थ मेटल? निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय पृथ्वी धातु है? क्वेश्चन नंबर 35। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं व्लादिमीर पुतिन, अब आंसर भी दो। हाँ, मेरी फोटो है टेलीग्राम पे, जो आपका चैनल है GA/GS बाय वर्षा सिंह, उसको आप सर्च करो, आप पहचान जाओगे, ठीक है? लेकिन नाम पूरा लिखना वर्षा सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, तो सारे बच्चों का आंसर सी कैल्शियम आ रहा है। एंड आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके जो अल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं ना, वो टोटल 6 होते हैं, ठीक है? ग्रुप बी में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप बी में टोटल आपके 6 क्या होते हैं? अल्कलीन अर्थ मेटल, जिसमें से एक है आपका कैल्शियम। और बताओ पांच कौन कौन से हैं, ठीक है? पांच कौन कौन से हैं बताइए जल्दी। चार लिख दिए, दो बता दो कौन से हैं, दो बताओ कौन से हैं। बिल्कुल मैग्नीशियम, रेडियम, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? कौन से? मैग्नीशियम, ठीक है? ये आपके टोटल क्या होते हैं? 6 अर्थ मेटल एल्कलीन, किसमें होते हैं ये? ग्रुप बी के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? पीरियोडिक टेबल के ग्रुप बी में आपके 6 एल्कलीन अर्थ मेटल पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रेडियम, बेरियम, स्टोटियम एंड बेरिलियम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड आउटसाइड इंडिया? भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ऑप्शन ए मुरारजी देसाई की, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री की, ऑप्शन डी चरण सिंह की। क्वेश्चन नंबर 36, बिल्कुल BEMGCARANSR। और बेरियम तो भूल ही गए आपने, पांच ही लिखे हैं मोनोवर, बेरियम भूल गए, BA आप भूल गए। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री। श्योर हो? लाल बहादुर शास्त्री होगा क्वेश्चन नंबर 36। मुझे लगा कुछ बच्चे आंसर देंगे मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई किसी ने भी आंसर दे दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत के बाहर मरे थे, कब? 11 जनवरी 1966 में। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंत में, ठीक है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे और कब। तो 11 जनवरी 1966 उज्बेकिस्तान में, आंसर इज सी। 37, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर एज द चार्ज ऑफ 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स? निम्नलिखित में से किसने आसाम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी PC नायर, ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई भी नहीं। ताशकंत एकदम करेक्ट आंसर है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है? एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अभी तक 294 लाइक है, जल्दी से लाइक करो।
हाँ तो पीसी नायर इज द करेक्ट आंसर, जो आपके आसाम राइफल्स के 21st नंबर भी याद रखो, जैसे आपके चीफ जस्टिस बने हैं तो वो 24th बने हैं, NHRC के चेयरमैन बने हैं तो वो 8th नंबर के बने हैं, उसके बाद आपके चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं तो वो आपके 24th के नंबर के बने हैं, तो आसाम राइफल्स के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं ये 21st नंबर के बने हैं, और कौन बने हैं, प्रदीप चंद्र नायर बने हैं, और जो आपका आसाम राइफल्स है ना, आसाम राइफल्स ये आपका ओल्डेस्ट, सबसे पुराना ओल्डेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स है, ठीक है, सबसे पुराना पैरा मिलिट्री फोर्स है, जो कि कब फॉर्म हुआ था, 1835 में, कब बना था ये, 1835 में बना था, और इस आपसे हेडक्वार्टर भी इसका पूछा जाता है, जहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाता है आसाम, दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है मिजोरम, तीसरा आपको मिल जाता है मेघालय, और चौथा आपको मिल जाता है सिक्किम। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आसाम राइफल्स नाम है तो हेडक्वार्टर आसाम में होगा, लेकिन आसाम में नहीं, इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो आपका मेघालय शिलोंग में है, ठीक है, मेघालय शिलोंग में है आसाम राइफल्स का हेडक्वार्टर, 1835 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। Who has launched the first Asia Pacific Public Sector Cyber Security Executive Council? पहले एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी मैकैफे, ऑप्शन सी कैपरस्काई, ऑप्शन डी नॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 38। पीआरके क्रिएशन इतनी जल्दी जल्दी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे सारे बच्चे ए माइक्रोसॉफ्ट एंड मैकैफे आंसर दे रहे हैं 38 का। तो नॉर्टन इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉन्च किया है, जिसमें बहुत सारी कंट्री इनको सपोर्ट कर रही है, बहुत सारी कंट्री पॉलिसी मेकर बनी है, ठीक है, ताकि जितने भी साइबर थ्रेट होते हैं उनसे बचाया जा सके, ठीक है, जितने भी आपके कॉरपोरेट होते हैं उनको साइबर थ्रेट से बचाया जा सके, ताकि उनका डेटा रिलीज नहीं हो। माइक्रोसॉफ्ट के अभी CEO कौन है, सत्या नडेला, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट CEO कौन है, सत्या नडेला। आधे बच्चे को लगेगा कि सुंदर पिचाई है, तो सुंदर पिचाई नहीं है, वो गूगल के है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला है, तो 38 करेक्ट आंसर इज ए। 39th, दो क्वेश्चन बाकी रह गए, टोटल 40 क्वेश्चन है आपके। पीआरके क्रिएशन इसीलिए, जब आप कुछ डेटा याद रखते हो तो एग्जाम से पहले, जैसे ब्रांड एम्बेसडर हो गया, आपके अपॉइंटमेंट हो गए, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिया करो, डेट एंड थीम पढ़ लिया करो तो याद रहेगा। 39th, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया? ऑप्शन ए विजय सिंह को, ऑप्शन बी आरएस चौधरी को, ऑप्शन सी दिव्या वर्मा को, या ऑप्शन डी इकबाल खान को। क्वेश्चन नंबर 39th, मयंक अगर बी होगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आंसर सबका बी आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, आरएस शोधी, ठीक है, आरएस शोधी इज द करेक्ट आंसर। आपके जो बोर्ड के हेड बने हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के, वो कौन बने, आरएस शोधी बने, और आपके IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा, एक होता है आपका NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका कि हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है, NDDB, इसके अभी हेड कौन बने हैं, इसके हेड बने हैं अभी मिनेश शाह, किसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने, वर्षा जोशी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो 39th करेक्ट आंसर आपका होगा आरएस शोधी, IDF का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, और NDDB के नए हेड बन गए हैं आपके मिनेश शाह। मयंक वो तुम्हारा जो कमेंट आया था मेरे पास, वो लास्ट क्वेश्चन के लिए आया था, तो मुझे लगा तुम मैकैफे बोल रहे हो, ठीक है, मुझे लगा तुम माइक्रोसॉफ्ट को गलत बता रहे हो, इसलिए मैंने कहा कमेंट की टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर था बी।
क्वेश्चन नंबर 40, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स लोकेटेड? ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी बीजिंग या ऑप्शन डी मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 40, 300 लाइक हो गए, वो दिन कब आएगा जब 500, 600, 1000 लाइक होंगे? तो यहाँ पे 40 का सभी, इतना इजी क्वेश्चन का गलत आंसर जब दे देते हो ना तो दिल वैसे ही टूट जाता है। तो आपसे पूछा है कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई में है। तो 40 का करेक्ट आंसर इज बी, शंघाई चाइना। और अभी आपसे ब्रिक्स क्यों पूछा गया, ब्रिक्स आपसे अभी इसलिए पूछा गया क्योंकि ब्रिक्स का अभी 13th एडिशन का मीटिंग हुआ था, ठीक है? ब्रिक्स की 13th एडिशन मीटिंग हुई थी जिसको होस्ट किसने किया था, इंडिया ने। किसने होस्ट किया था? इंडिया ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी शंघाई चाइना। तो ब्यूटी गार्गी, हिमांशु, पीआरके, एमजी गेमर, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। एमजी गेमर आप तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्मार्ट निकल के चाइना आंसर दे रहे हो, चाइना ही, दो ऑप्शन चाइना है, जो भी होगा सही होगा। तो करेक्ट आंसर याद रखना शंघाई में है, ना कि बीजिंग में। तो शंघाई चाइना इज द करेक्ट आंसर। अभी 13th एडिशन की मीटिंग हुई थी, जनरल मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, जिसको होस्ट किया था किसने, इंडिया ने। तो आंसर इज बी, इसीलिए मैंने ब्रिक्स का आपसे पूछा क्वेश्चन। वो दिन आता है पर कम पड़ जाता है। प्रभात झा, तुमको क्या हो गया है आज, नींद में क्लास ले रहे हो क्या? तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। सबसे पहले तुम लोगों को काम क्या करना है, वो ये करना है, कल सब मेरा हैप्पी बर्थडे मना रहे थे तो उसका गिफ्ट, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पहला जो लिंक है वो अब मेरे प्रोफाइल लिंक है अनअकैडमी लर्नर ऐप पे। तो जिसके पास अनअकैडमी का लर्नर ऐप है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो अनअकैडमी के लर्नर ऐप को इंस्टॉल कर लो, डायरेक्टली लिंक से आप फॉलो कर सकते हो। नहीं तो आप वहाँ पे जा करके वर्षा सिंह नाम सर्च करना, आपको प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लेना। क्लास अच्छी लगे तो आप वहाँ पे हेड डेडिकेट करना, और साथ ही साथ जब भी सब्सक्रिप्शन लेना कोड वर्षा यूज़ करना, ठीक है? वर्षा कोड का इस्तेमाल करना जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं चाहे किसी भी चीज़ का। और सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, GA/GS/वर्षा सिंह। यहाँ पे अभी मैं क्लास ख़त्म होने के 5 मिनट के अंदर आपको PDF इस क्लास की दे दूँगी, ठीक है? तो GA/GS/वर्षा सिंह ये टेलीग्राम का चैनल है। और सारे बच्चे जो अभी क्लास में लाइव है लेकिन आप कमेंट नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो वो बच्चे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है? क्योंकि मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि जल्दी से आपके चैनल के 20 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। तो जल्दी से सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है? प्रभात, पता नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ कि कितनी बारी मेरा बर्थडे मनेगा, ठीक है? हाँ, करवा लो टैटू, ठीक है? रिपोर्ट एंड विन क्या है, अगर आपको मेरे या किसी भी एजुकेटर के कंटेंट में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिपोर्ट जेन्युइन होगा तो आपको अनअकैडमी की ओर से रिवॉर्ड दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही था, सभी को शुभ रात्रि। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? कल मिलेंगे 4:55 पे अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे, और जब भी सब्सक्रिप्शन लो कोड मेरा यूज़ करो, ठीक है? तो चलो, टाटा एवरीवन, बाय, टेक केयर, और जल्दी से वो दिन ला दो जब 500 लाइक हो जाए, 1000 लाइक हो जाए, 2000 लाइक हो जाए, ठीक है? और सबसे पहले तो 1000, कम से कम 1000 बच्चे लाइव देखे वीडियो को, ठीक है? तो चलो, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट। एपेक का हेडक्वार्टर क्वींसटाउन सिंगापुर में है विश्वजीत, क्वींसटाउन सिंगापुर, ठीक है? क्वींसटाउन सिंगापुर में है एपेक का हेडक्वार्टर। चलो एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। विश्वजीत, क्वींसटाउन सिंगापुर याद रखना आंसर। चलो, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।